अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे मैगी नूडल कटलेट, जिसे बच्चे से लेकर बड़े सभी पसंद करेंगे। मैगी लिया है एक पैकेट, चिली पाउडर 1 टेबलस्पून, गार्लिक पाउडर 1 टेबलस्पून। अगर आपके पास गार्लिक पाउडर नहीं है तो मत डालो, आप मैगी मसाला डाल देना इसके बदले। एंड 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर, 1/2 टीस्पून क्यूमिन पाउडर, 1/2 टीस्पून सॉल्ट, क्योंकि हम मैगी मसाला डालने वाले हैं उसमें भी सॉल्ट होता है, इसलिए क्वांटिटी कम ही रखेंगे हम सॉल्ट की अभी। एंड 1/2 टेबलस्पून चिल्ली सॉस एंड 1/2 टेबलस्पून सोया सॉस। 1 बॉइल्ड पोटैटो, इसे मैंने मैश कर लिया है। और वेजिस में मैंने लिया है थोड़ा सा कैरोट, कैबेज, ग्रीन पीस, अनियन और ग्रीन चिल्ली, इन सबको मैंने बारीक कट किया है। अपने अकॉर्डिंग वेजिस कम ज़्यादा कर सकते हो, अपनी पसंद के वेजिस ले सकते हो। अब हम सबसे पहले मैगी बॉईल कर लेंगे। इसमें 1/2 टेबलस्पून चिल्ली सॉस एंड सोया सॉस लिया था वो डाल देंगे। अब हम इसमें मैगी डाल देंगे एंड मैगी को हमें सिर्फ 80% ही बॉईल करना है। सो गाइस, मैगी अच्छे से बॉईल हो चुकी है, अब जो पानी है वो निकाल देंगे और मैगी को हम अच्छा खासा ठंडा कर लेंगे। मैगी कटलेट्स की कोटिंग के इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। तो मैंने लिया है ब्रेड क्रम्स, अंडा लिया है, अगर आप चाहे तो अंडे की जगह मैदा ले सकते हैं, पानी में थोड़ा सा मैदा मिलाकर ले सकते हैं, बट मैं अंडा ले रही हूँ। अब मैगी ठंडी हो चुकी है अच्छे से, सो अब हम इसमें सारे वेजिस ऐड कर देंगे। ब्लैक पेपर, क्यूमिन पाउडर, सॉल्ट डाल देंगे इसमें, गार्लिक पाउडर, चिल्ली पाउडर डाल देंगे और मैगी मसाला डाल देंगे इसमें। अगर आपके पास गार्लिक पाउडर नहीं है तो आप इसकी जगह 1/2 टेबलस्पून चाट मसाला डाल देना। और बॉयल पोटैटो डाल दिया मैंने इसमें। अब हम इसे हाथ से अच्छे से मिक्स करेंगे और ये एक डो की फॉर्म में आ जाएगा। इसे हम हल्के हल्के हाथ से मिक्स कर लेंगे। अब ये एक डो की फॉर्म में आ चुका है। अब हम हाथ पे थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे और इसकी पेटी बना लेंगे। हाथ पे ऑयल लगाने की वजह से इजीली हो जाएगा और इस तरह से इसे पेटी की शेप दे देंगे। तो ये रेडी हो जाएगा। हम पहले सारे बना लेंगे, बाद में इसकी कोटिंग करेंगे। इस तरह से सारे बना लेंगे। अब हम इसकी कोटिंग करेंगे। पहले हम अंडे में डिप करेंगे और इसे हम ब्रेड क्रम में कोट कर देंगे। अगर आप अंडा नहीं ले रहे हो, अंडे की जगह मैदा ले रहे हो, तो पहले मैदे में डिप करेंगे और बाद में ब्रेड क्रम में कोट कर लेंगे। इस तरह से सारे रेडी कर लेंगे। सो अब ये रेडी है, हम इसे फ्राई कर लेंगे। ऑयल गर्म हो चुका है, अब हम इसमें फ्राई कर लेंगे। इसे हम क्रिस्पी फ्राई करेंगे, बाहर से क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट, बहुत ही मज़े के बनते हैं, टेस्टी। अब ये फ्राई हो चुके हैं, हम इसे निकाल लेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में लाइक भी दे दीजिए एंड मेरे चैनल को शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।